ग्रीन येलो रेड। हेलो इंजीनियर्स, 300% तो आज आपके लाए हैं एक कैंडल को हम लोग ऑन कर सकते हैं, वो भी अपने वॉयस के मदद से। तो पिछला एक वीडियो मैंने बताया था किस प्रकार से रिमोट के मदद से कैंडल को ऑन कर सकते हैं, तो आज का जो वीडियो है वो है वॉयस के मदद से अलग अलग कैंडल को हम लोग ऑन कर सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही ईजी है, आप अपने घर पे खुद बना सकते हैं बहुत ही ईजी से। तो चलिए सीखते हैं आज किस प्रकार से एक कैंडल को ऑन कर सकते हैं अपने वॉयस के मदद से। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय जेएलसी पीसीबी। नया पीसीबी के लिए गर्बल फाइल अपलोड कीजिए, थिकनेस, कलर, क्वांटिटी ये सब सेट करके सिर्फ $2 में ऑर्डर कीजिए कोई भी कलर पीसीबी। अच्छे क्वालिटी पीसीबी का भरोसा जेएलसी पीसीबी। और ऑर्डर देने के बाद 10 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा आपका पीसीबी। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 3 एलईडी लगाया है, आप चाहे तो और भी ज्यादा एलईडी लगा सकते हैं, ठीक है। अलग अलग एलईडी के लिए अलग अलग कलर हमने इसमें सेट किया है। तो जब भी इस प्रोग्रामिंग से हम लोग वॉयस करेंगे और जो कलर बोलेंगे वही कलर ये ऑन होगा, ठीक है। तो अभी मैं ऑन करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। तो कनेक्ट यहाँ पे वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब जो ब्लूटूथ है उसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। तो कनेक्टिंग देखिए यहाँ पे कनेक्टेड लिखा हुआ है, तो अभी कनेक्ट है। तो इसमें क्लिक करके जो भी बोलेंगे वही एलईडी ग्लो करेगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ रेड ऑन, देखा आपने रेड ऑन हुआ है। अभी मैं ब्लू बोलूंगा तो ब्लू ऑन होगा, ग्रीन बोलूंगा तो ग्रीन ऑन होगा। तो मैं ब्लू बोल रहा हूँ ब्लू, तो देखिए ब्लू कलर ऑन हो गया है। अभी ग्रीन बोलूंगा ग्रीन, देखिए ग्रीन कलर ऑन हो गया है। और अभी हम लोग ये जो एलईडी है, एलईडी का लाइन को हम लोग ट्रांजिस्टर पे कन्वर्ट करेंगे और ट्रांजिस्टर पे हाई वोल्टेज यानी कि 9 वोल्ट या 12 वोल्ट देके हम लोग जो माचिस के तिल के होते हैं उसको जलाएंगे। तो वो किस प्रकार से लगाते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे एक सर्किट मैंने बनाया है, तो इस पर एक ब्लूटूथ लगा दिया और एक माइक्रोकंट्रोलर लगा दिया, जो कि ब्लूटूथ के मदद से हम लोग अपने जो मोबाइल है मोबाइल को कनेक्ट करेंगे और मोबाइल के माध्यम से हम लोग वॉयस करेंगे और माइक्रोकंट्रोलर के जरिए इस पर अलग से जो सर्किट है इस पर वोल्टेज आएगा। आने के बाद इस पर मॉस्फेट हमने लगा दिया है, 3 मॉस्फेट 3 कैंडल के लिए। तो ये जो मॉस्फेट है इसकी मदद से वोल्टेज को बढ़ा के कैंडल पे देगा और कैंडल पे स्पार्किंग होके जो कि ग्लो करेगा। तो कैंडल का जो सिस्टम है वो हम लोग अभी देखते हैं। तो चलिए कैंडल का जो स्पार्किंग है वो किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं वो देखते हैं। Thank you.
अभी सबसे पहले हम लोग मोबाइल को ओपन करेंगे, उस पर प्ले स्टोर को ओपन करके इस पर लिखेंगे आर्डिनो वॉयस कंट्रोलर। तो यहाँ पे आर्डिनो लिख के वॉयस कंट्रोलर लिखने पर देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो लिखने पर यहाँ पे ऊपर में आ गया है। तो इस पर क्लिक करेंगे, करने के बाद ये जो वॉयस कंट्रोलर है इसको हम लोग इंस्टॉल कर देंगे। तो एक्सेप्ट करने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा एक फाइल है। तो ये इंस्टॉल अभी हो रहा है, तो डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल हो जाएगा। होने के बाद इसको हम लोग ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद ये अलाउ करना चाहता है ब्लूटूथ को, अभी अलाउ कर देंगे और इसको कनेक्ट करके हम लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। ग्रीन येलो आपने किस प्रकार से आसानी से एक कैंडल को हम लोग घर पे जला सकते हैं अपने वॉयस के मदद से। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।